हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी अपने मकान पर ही बैठा हुआ हूँ। तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है ना, अपने मकान का ये काम इतना कुछ स्टार्ट हो चुका है और इतना प्रोसेस पे चल चुका है, और ये देखो होद भी अपना नया वाला कम्प्लीट हो गया। जो एक बार फट गया था ना, तो उसको दोबारा हमने बनवा दिया, रिपेयर करवा दिया, उसके बाद ये पट्टियाँ रखवा दी। और इसके अंदर का कुछ सीन मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है, सामने पट्टियाँ वगैरह कातले वगैरह आ गए हैं, अंदर साफ अंदर से कुछ आपको दिखाता हूँ मैं। चलो देखते हैं, बहुत दिन के बाद मैं ये ब्लॉग डाला हूँ यूट्यूब पे। तो ये देखो, ये जो है अपने गेट लगते हैं ना, इनको बाई बाउना बोलते हैं राजस्थान में। तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं और कहाँ से देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बता देना। ये अपनी गलेरी है, ये गलेरी रूम नंबर 1, गेस्ट रूम, रूम नंबर 2 जिसमें हम खाना भी बनाएंगे और एक रूम भी है। बस दो ही रूम मैंने कंप्लीट करवाना है और अपना थोड़ा बजट कम है ना, इस हिसाब से दो ही रूम और 3 सेट का बनाएंगे। इस पर कोई आरसीसी नहीं, कोई कुछ नहीं। और शाम का माहौल देखो गाइस, बहुत मस्त एकदम हरा भरा हो रखा है। और ये अंकल जी का, अंकल जी तो गए बतासी बेचने के लिए और मैं ही इनके रूम का भी चाबी ले रखा था। तो देखते हैं अंदर कुछ घुस तो नहीं गया, नहीं तो यहाँ पे क्या बकरी वगैरह आ जाते हैं ना, और सियार भी खूब है यहाँ पे, तो सियार भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं जाऊंगा ना अभी घर पे, तो मैं लॉक भी कर जाऊंगा इसको। फिलहाल सो सबको ठीक है, लाइट आई नहीं आई, ये बस लाइट भी चला के मैं देख ही लेता हूँ। ये पंखा, ओके लाइट आ गई है इसमें, और कुछ ऐसा माहौल है। और ये अंकल जी की बाइक है, शाम का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों। और यार एक चीज़ और, ये है ना पलक, इसको मेरे को बाहर ही निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको अंदर छोड़ देता हूँ और गेट बंद करूँगा ना, तो शायद तक ये कट हो सकता है। तो मैं इसको एक बार छुपा देता हूँ, सीमेंट का कट्टा हमारा थोड़ा सीमेंट बचा हुआ था, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे छुपा देता हूँ। अगर रात को बारिश भी आ जाती है ना, तो थोड़ा वो तो सेफ रहेगा। ये एक काम करता हूँ, यहाँ छुपा देता हूँ, क्या थोड़ा बहुत तो इसको सेफ़ रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ है ना और इसमें परमानेंट लाइट चालू है, क्योंकि इसका वायर हम लोग कनेक्ट कर रखे हैं परमानेंट ही। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा सीन है, चलो अब एक बार अपने मकान पे चलते हैं, देखते हैं कब तक कंप्लीट होएगा अपना मकान। और लगभग पैसा भी पूरा फिनिश हो चुका है, मात्र 30,000 रुपये और पड़े हैं मेरे पास, और मकान का भी काम कुछ दिख रहा नहीं है। और ईंटों का भी नुकसान हो गया मेरा, बारिश आई थी ना, तो उस बारिश में ईंटें गिर गई थी मेरी। ये देखो 30,000 रुपये लग गया दोस्तों, अभी कुछ नहीं, मतलब 30,000 तो क्या 30,000 बच रहा है और अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है काम। देखो मेरे को नहीं लग पा रहा कि मेरा मकान कभी कंप्लीट भी होगा इस सन में, तो फिर भी हिम्मत नहीं हारना। ये देखो बरसात आया था, बरसात में ये पूरा ईंट है ना ऊपर का, तो खैर इधर से कम 2,000 ईंट ना एक साथ गिरी थी, ये तो 1,000 तो इसमें से टुकड़े हो चुकी है, और बाकी का तो मैं धीरे धीरे ना और टुकड़े हो जाते, इसलिए मैं उसको उतार के और लगवा दिया उधर। और बाकी ये तो ठीक है, ये पता है कैसे गिरा था, ये नीचे की ना जो मिट्टी, ये बारिश से कट हो गई थी, बह गई ना, तो ये ऐसे कैसा चिट्टा पूरा गिर गया नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। नुकसान तो ऐसे खैर होता ही रहता है, लेकिन मेरे लिए नुकसान हो रहा है तो मेरे को बहुत ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि इतना ही कमाता हूँ मैं 8-9 हज़ार रुपये, और लोन लेके वो अपना एक घर बनवा रहा हूँ, वो भी 3 सेट में, और उसमें भी नुकसान होगा तो फिर क्या ही करेंगे। तो आई होप दोस्तों मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, इन्फॉर्मेशन ब्लॉग अपने मकान का, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।